गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, जैसे कि आप लोग को पता चल चुका होगा कि एसएससी की एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफी अच्छा लगा डिसीजन, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है आज के टाइम में। आप भी जानते हो, 3.5 लाख 4 लाख केसेस निकल रहे हैं इंडिया में, और जबकि लास्ट ईयर ऐसे टाइम में इतने केसेस कभी आउट होते ही थे। इवन दो अभी तो वैक्सीन भी आ चुकी है, स्टिल इतने केसेस निकल रहे। गलती किसी और की नहीं, गलती हम सभी लोगों की है। मैं ना तो इसमें नेता लोगों को बोलूंगा, ना ही मैं किसी और को बोलूंगा। मैं बोलूंगा भाई, हम सभी इंसानों की गलती है, क्योंकि हम इंसान ही हैं भाई जो चीज को लेके आए। अगर हम लोग ही ऐसी हरकतें नहीं करते, नवंबर दिसंबर के टाइम में नॉर्मल होते, हम लोग थे जो मास्क नहीं पहनते तो घूमते थे बिंदास होके, तो आज वही नतीजा देखने को मिल चुका है। खैर, ये सब बातों को छोड़ना चाहिए। बहुत लोग का डिसीजन ये है कि भाई एसबीआई भी पोस्टपोन होगा। भाई मुझे लगता है एसबीआई वो एंटिटी है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे कि एग्जाम अब नोटिस आउट होगा नहीं, नोटिस बाद में आउट होगा। आपने देख लिया, नोटिस आउट कर दिया। अब बहुत लोग को लग रहा है कि जैसे सारी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, जीआईसी की पोस्टपोन हुई, एसएससी की एग्जाम पोस्टपोन हुई, तो कहीं ना कहीं एसबीआई भी पोस्टपोन करेगा। गाइस, मुझे लगता है एसबीआई बहुत रेयर कंडीशन में ही एग्जाम को पोस्टपोन करेगा। अदरवाइज एसबीआई जब लास्ट ईयर इतना केसेस थे अक्टूबर में, तब एग्जाम करवा सकता है मेंस की 10 दिन के अंदर। तो अभी तो तब भी ठीक ही है भाई, वैक्सीन सिर्फ केसेस काफी हाई है, मगर ले सकता है एग्जाम। तो मुझे लगता है कि इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम रोज की मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बस वही मॉक टेस्ट देना चाहिए। और मुझे लगता है एक चीज और, कि जिस तरीके से हम मॉक टेस्ट के साथ साथ जीके पढ़ रहे हैं, उन चीजों को कंटिन्यू रखो, क्योंकि एसबीआई टाइम नहीं देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो गई ना अगर आने टाइम में, तो आगे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा एसबीआई के अंदर। तो जो आप कर रहे हो ना, रोज का मॉक टेस्ट दे रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, इसको कंटिन्यू रखो। प्लस मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए था। मैं सोच रहा था कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए एक टाइम टेबल लेके आओ, सिर्फ नॉर्मल एक हफ्ते का रोज का टाइम टेबल, मतलब हर मंडे को वो टाइम टेबल अपलोड कर दूं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे, और ताकि जो लोग आरआरबी को एम कर रहे हैं उनको वहां से हेल्प मिल जाए। यदि इनिशिएटिव अच्छा लगे तो बताना कमेंट डाउन में, और यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नितिन सिंह 1412 94 पे, और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छी लगे, जेन्युइन लगे, तो जरूर शेयर और लाइक करना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।